तो ये मेरा फाइनल लुक, मैं रेडी हो गई हूँ वृंदावन जाने के लिए। अभी मैं अक्षय को फोन देती हूँ, वो पूरा लुक दिखाएंगे आपको। चलो निया, चलो आओ, चलो चले, चलो उठो जल्दी। तो अभी हम निकल रही हैं घर से वृंदावन के लिए, ये प्रज्ञा बोल रही मेरी अभी, प्रज्ञानी इसकी मम्मा पिएगी, क्योंकि मैं जब गाड़ी में बैठती हूँ ना तो मुझे भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। मेरी हमेशा ऐसे याद रहता है, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठती हूँ, मेरे भी ट्रिप पे जाते हैं तो मुझे बहुत भूख लगती है, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ ट्रिप पे। चलो तो वही सफर की शुरुआत करते हैं राधे राधे से। तो पूरा जो सफ़र था बहुत ही अच्छा रहा, बातें करते करते कैसे टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। और लगभग हमें 3 से 3.5 घंटे लगे थे हमें मुंडका से वृंदावन पहुंचने में, क्योंकि हम मुंडका के पास जो गांव है वहां रहते हैं। तो बहुत अच्छा रहा सफ़र, बहुत ही यादगार रहा, बहुत सारी बातें की, हंसी मजाक किया। और वैसे तो घर पे तो बिज़ी रहते हैं अपने काम में, तो एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद हमें मौका मिला इस तरह से बेफिक्र जो लाइफ है उसको जीने का। ऐसी लाइफ हम शादी से पहले जीते थे जब कोई टेंशन नहीं होती थी। तो यहाँ पहुँच गए हैं वृंदावन। तो वृंदावन में ये देखो ये लिखा हुआ है मेरो वृंदावन। तो यहाँ पे हम एंटर हो गए हैं और अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करें। सबसे पहले जब हम मेरो वृंदावन, यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ना ये बोर्ड, इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे माँ वैष्णो धाम है और उसके बाद प्रेम मंदिर और ये सास इस्कॉन टेम्पल वगैरह हैं। तो यहाँ पे ये डिसाइड कर रही थी कि हम कहाँ रुके, तो फिर मैंने कहा कि हम प्रेम मंदिर जो उसके आसपास जो धर्मशालाएं हैं या जो कोई हमें होटल वगैरह मिल जाएगा तो वहाँ हम रूम लेंगे। तो हमने यहाँ पे जो है रेट पता किया, तो हमें जो अच्छी अच्छी धर्मशालाएं हैं वो 1500 रुपये में मिल रही थी, और अगर हम होटल की बात करें तो वहाँ पे 2500 रुपये थे, 12 से 12 का उनका टाइमिंग था। तो यहाँ पे ये प्रेम मंदिर है, इसके जस्ट सामने ही जो धर्मशाला थी जिसका नाम था गोवर्धन कुछ ऐसे करके था, मेरे को अभी इतना याद नहीं। तो वहाँ पे हमने रूम लिया था और हमने एसी रूम लिया था, तो उसका वो हमें पड़ा था 1500। और फैसिलिटी वगैरह नॉर्मल ही थी, क्योंकि यहाँ पे हम सोचे ना जैसे हम शिमला मनाली वगैरह जाते हैं वो सारी फैसिलिटी तो नहीं होती यहाँ रूम में, लेकिन फिर भी हमें तो बस एक रात ही काटनी थी। तो हमने यहीं पर हमने रूम लिया था ताकि हम इसके आसपास जो प्रेम मंदिर है अपना रात तक आराम से इसको एंजॉय कर पाएँ, आसपास जो भी टेंपल वगैरह हैं उनको भी देख पाएँ। और यही मज़ा होता है कि जहाँ पे भीड़ भाड़ है जहाँ पे हम घूम सके वही रूम ले तो मज़ा भी आता है। तो यहाँ सबसे पहले आ गई थी ये प्रव्या, थक गई थी तो ये रेस्ट कर रही थी मैडम यहाँ पे सबसे पहले। और ये सामान हमने ऐसे फैला दिया था, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो बस ऐसे ही हमने सामान ऐसे रख दिया। कुछ सामान गाड़ी में ही था, जो प्रव्या का सामान था इसके डायपर कपड़े वगैरह जो भी बोतल वगैरह वो हम रूम में ले आए थे, हमारे जो बैग थे वो सब गाड़ी में ही रखे हुए थे। और ये मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ, ये रूम कुछ इस तरह से था, ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, एक टेबल थी, चेयर थी, डबल बेड था। और अगर वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम का भी मैं आपको बताती हूँ वॉशरूम में क्या क्या फैसिलिटी थी। तो वॉशरूम में ये इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारी फैसिलिटी थी, लेकिन यहाँ का जो पानी था ना बाय गॉड क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था जैसे ना किसी ने भर भर के नमक इसमें मिक्स कर रखा है। यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा बेकार था। में एक टीवी भी था, एसी था और बस, मतलब कुल मिला के ठीक ठाक था। और ये देखो हाँ इसका नाम था श्री गोवर्धन धाम। तो अभी मैं कर रही हूँ रेस्ट, रेस्ट करके नहा धो के फिर मैं रेडी हो जाऊँगी अपने मंदिर के लिए। और हमने जो रूम लिया है उसके बिल्कुल सामने प्रेम मंदिर है, तो अभी रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। ये मैंने नेल पेंट ना अपने गाड़ी में रख लिया था सामने कि मैं जब गाड़ी चलेगी तो मैं नेल पेंट लगा लूँगी, घर पे टाइम नहीं लगा था। और बातों में मेरे को याद ही नहीं रहा, मैं और अक्षय से बात करने लगे, मतलब पहले की बातें करने लगे, शादी से पहले की कुछ ऐसी हंसी मजाक इधर उधर की बातें।
तो याद ही नहीं रहा कि नेल पेंट लगाना है। तो मुझे यहाँ पे फुर्सत लगी थी नेल पेंट लगाने की, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले आके नेल पेंट लगाया, फिर रेस्ट किया और फिर मैं रेडी हो गई थी प्रेम मंदिर के लिए करीबन 5 बजे। तो ये मैंने वेयर किया है, मैं यहाँ पे पहनने के लिए पिंक सूट लेके आई थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बारिश भी हो रही थी आज, तो इसलिए मैंने फिर यही सूट पहनने का डिसाइड किया। कुछ लोग कहेंगे कि ब्लैक नहीं पहनते, मेरा ये मानना है मन साफ़ होना चाहिए, दिल आपका साफ होना चाहिए, रंग चाहे आप काला पहनो या सफ़ेद पहनो। तो बस ये देखो, ये हम जैसे ही होटल से बाहर निकले, सॉरी अपने रूम से बाहर निकले, जो श्री गोवर्धन धाम जो हमने आश्रम लिया था, तो उसके जस्ट सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्रेम मंदिर है। तो इस वजह से ना थोड़े वैसे अगर आप इसे थोड़ा सा दूर लोगे ना अगर रूम, तो वहाँ पे आपको 700-800 में मिल जाएगा, लेकिन ये जिसके बिल्कुल पास था ना, तो इस वजह से थोड़ा इसका प्राइस भी ज़्यादा था। तो यहाँ पे ये देखो एंट्री के लिए किस तरह से यहाँ पे लाइन लगी हुई है। और हम जब जा रहे थे ना प्रेम मंदिर के लिए तो बहुत तेज बारिश हो गई थी, तो हमें बीच में यहीं पर साइड में रुकना पड़ा था, लेकिन बारिश का भी अपना बहुत मज़ा था। बारिश हो रही थी और चारों तरफ राधे राधे के जो नारे लगाए जा रहे थे ना, मतलब उससे मन इतना खुश हो गया था, मेरा इतना मन लग गया था यहाँ पे। मुझे 2 दिन हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, लेकिन मेरा अब भी जो मन है वो वही वृंदावन में ही है। सच में वृंदावन में जो हमें सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता, जो मन की शांति मिलती है। और मेरा ना अब ये मन है कि मैं हर महीने वृंदावन जाऊं, क्योंकि जो सुकून यहाँ पे मिला ना, मैंने कितने ही ट्रिप किए वहाँ नहीं मिला। मनाली, शिमला, उदयपुर, जयपुर, कितनी जगह मैं गई, गोवा वगैरह, लेकिन यहाँ पे जो मुझे शांति मिली, यहाँ पे जो मेरे मन को सुकून मिला, वो कभी नहीं मिला। मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि एक बार आप यहाँ आएँ और देखें कि कितनी आपके मन को शांति और सुकून मिलता है। आप कितने, आप जीवन में क्यों आए हो, मतलब आपका जीवन क्या है, आप दुनिया में क्यों आए हो, मतलब इस तरह के जो प्रश्न है ना, वो आपके दिमाग में आने लगेंगे। आप ना खुद को राधे कृष्ण के बहुत ज़्यादा करीब महसूस करोगे। बारिश हुई थी तो बारिश होने से ना यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो गया था। ये देखो बारिश होने की वजह से किस तरह से यहाँ पे ये रंग जो थे फूलों के, पत्तियों के, इन पौधों के कैसे खिल गए थे। और हाँ, हमने ना प्रेम मंदिर 2 बार विजिट किया था, एक बार 5 बजे के आसपास और एक बार हमने 8 बजे के आसपास, लेकिन जब भी हम दोनों टाइम यहाँ पे गए तो बारिश हो रही थी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगी हम किस किस तरह से यहाँ पे घूमे थे, कहाँ कहाँ गए थे। तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।